सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ स्थित दशहरा मैदान ब्लॉक कॉलोनी में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी शिशुपाल के समर्थन में आम सभा हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध गायक बादल ने बुंदेली गीतों के माध्यम से जनता को संदेश दिया। प्रत्याशी शिशुपाल ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सागर राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। यही बातें हो रही नहीं हुई, लेकिन आप लोग सोचिए कि अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इनसे जवाब मांगिए। आप लोग चुपचाप बैठे, क्योंकि आज जो समय है चुप बैठने का नहीं है, क्योंकि अपने मत अधिकार का आप लोगों को प्रयोग करना है। मत मत का मतलब आप लोग समझें कि अगर चार लोग बैठे हैं वहां भी आपस में जो विचार होता है, बोले इनका मत ये है और इनका मत ये है। अगर कोई गलत है सही का फैसला करना होता है, हम लोग क्या कहते हैं कि सही व्यक्ति ये है और गलत व्यक्ति ये है। तो आप लोग इस चीज को समझें कि वही व्यक्ति भाजपा में है, कोई कांग्रेस में है। पहले भाजपा में था वो कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस में था भाजपा को अंतर हुआ नहीं हुआ। आप लोगों ने तो अपना आपके वोट दिया था क्या, बेचने के लिए दिया था? लोगों ने क्या किया, आपके वोट को बेच दिया। क्या आप लोगों का वोट बिकाऊ है? ये सरकारें तो ये सोचती है कि हमारे वोट से हम जो विधायक बनाएंगे हम बना सकते हैं। सरकारें ये सोचती है, पार्टियां ये सोचती है, लेकिन पार्टियां विधायक बना सकती है क्या? विधायक कौन बनाएगा? आप लोग बनाएंगे, आपका वोट बनाएगा। आपको अपने वोट की ताकत दिखानी है। ताकत वोट को भी बिकाऊ नहीं होता है, वो पैसे से खरीदना चाहते हैं, पैसे से लोग बिकना चाहते हैं। उनको उनकी औकात याद दिलानी है। आप लोगों को दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे? आप लोग जो मात उठा के संकल्प ले, उन लोगों ने जो आपके वोट को बेचा था, इसमें आपकी उनकी औकात को याद दिलाएंगे। और वो तो दूर नहीं है, समाजवादी पार्टी की शुरुआत आप यहाँ से करो। बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी। एक ऐसी पार्टी है हर वर्ग को लेकर, सारे वर्गों को लेकर चलती है। वो कभी धर्म की जात की राजनीति नहीं करती है, लेकिन ये पार्टियां आपस में लोगों को लड़ाती हैं। लड़ाती है नहीं लड़ाती है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई ना कहीं किसी में लड़ाएंगे, लेकिन आप लोगों को इसकी चिंता नहीं करती है। आपको सही और गलत का साथ मिलता है। सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बने जो सबसे कम उम्र के थे। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भाई हमारे मित्र तनवीर अहमद जी को बनाने का काम किया। छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भाई तनवीर अहमद जी इस सभा में पहुंचने वाले थे, लेकिन किसी कारणों से अकस्मत कारणों के कारण उनका यहां आना कैंसिल करना पड़ा उनको। आज इस सभा में आपके सामने महाराष्ट्र के जो पूर्व विधायक भी रहे हैं वो भी सभा में पहुंचने वाले थे, लोगों का साथ में आने का प्रोग्राम था, लेकिन जिस तरीके से कुछ अकस्मत कारण के कारण हमारे जो समाजवादी पार्टी से जिनका गठबंधन था हीरा सिंह मरकाम साहब का, उनका निधन हो गया है। आप लोगों को जानकारी मिली होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का भाई तनवीर अहमद जी को निर्देश हुआ कि आप उनके यहाँ शोक संतप्त देने के लिए मेरी तरफ से आप वहाँ पहुंचे, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जब जिसके साथ में जोड़ जुड़ती है या जिसको अपने साथ में जोड़ गई है तो सुख और दुख में हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा खड़े रहते हैं।
तो मैं आपको, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं नौजवान साथियों, यदि आप समाजवादी पार्टी का साथ देंगे और वरिष्ठ जनों को भी विश्वास दिलाना चाहते हैं यदि वो समाजवादी पार्टी का साथ देंगे और अपना आशीर्वाद मेरे सर पर रखेंगे, तो वो जब भी मुझे जहां बुलाएंगे मैं तत्पर खड़ा रहूंगा। जिस सेवा में मुझे लगाएंगे मैं तत्पर खड़ा रहूंगा। जब भी मुझे मिलाएंगे, रात को भी मिलाएंगे, तो मैं पहुंचूंगा उनके लिए। अगर कोई कोई तकलीफ उनके लिए हो तो घर पर उपस्थित रहूंगा मैं। यदि समाजवादी पार्टी का आप लोग साथ देते हैं और मुझे यहाँ पर चुनते हैं, आप मेरी दाद खड़ा करने का काम करते हैं, मैं आपसे एक ही मांग करता हूँ। मुझे मालूम है कि इन लोगों के बीच में से ही कोई ना कोई पढ़ाई करेगा, मैं आपसे खुल के कह रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से एक वादा करता हूँ कि अभी हमारे पास में 3 साल का वक्त है। सिर्फ 3 साल के लिए आप लोग मेरी ताकत बढ़ा दो, 3 साल के लिए आप अपनी ताकत मेरी बढ़ा दीजिए। 3 साल हम अपनी फौज को लेकर, अपनी टीम को लेकर, हम जो यहाँ के विकास कार्य है अवरुद्ध पड़े हुए हैं, जो यहाँ के लड़ाइयां हक और अधिकार की, उन लड़ाइयों को लड़ सके, इतनी ताकत बढ़ाने का काम आप लोग कर देना। मैं आपसे वादा करता हूँ जो वोटर्स मुझे वोट देंगे उन सभी वोटर्स के साथ में जनता की जन समस्याओं को लेकर मैं निरंतर आंदोलनरत रहूंगा। आज राजगढ़ के लोग इस बात को आप लोग जानते हैं कि जैसी नगर और राजा बलहरा में लोग आज भी प्यासे हैं। बाहर पीने का पानी नहीं है, शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था नहीं है, आज इन सब चीजों को आप लोग देख रहे हैं। लेकिन आज लोग बहलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं। जैसे ही पता चला कि आज समाजवादी पार्टी की सभा है, तो जितने भी पार्टी के लोग हैं, चाहे भाजपा के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों और अन्य लोग हैं जिनकी तो फिर कोई गिनती नहीं है, हाथी हो या साथी हो, वो जो भी हो, लेकिन भैया माइक वाले भैया ये सिस्टम ठीक करो आपका, तो उन लोगों ने आज सभा जैसी समाजवादी पार्टी की सभा का पता चला तो सारे के सारे लोग उसी समय एक ही समय निर्धारित करके लोगों को बटोरने का काम कर दिया। उन्होंने एक ने सभा चौकियों के सामने ले ली, दूसरे ने जनसंपर्क शुरू कर दिया, तीसरे ने भी जनसंपर्क शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं तो डर है, और जो लोग यहाँ है वही डर है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको हजारों की तादाद की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे साथ में फौलाद वाले लोग 10 हो गए तो वो 10 हमारे लिए 10,000 के बराबर होंगे, लेकिन वो मजबूत होंगे। जब महासभा चल रही थी, मुझे मालूम है कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे, वो 10 से मच नहीं हुए वहां जाने के लिए। लोगों के द्वारा यहाँ से गाड़ियां घुमाई जा रही थी कि वो यहाँ से वहां पहुंच जाए, उनको बुलाया जा रहा था। कुछ हमारे साथियों का फोन आया कि साहब हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। हमने कहा आप अपनी व्यवस्था के आधार पर आप काम। जैसा कि आप लोग लंबे समय से देखते आ रहे हैं, कोई कहता है मैं किसान पुत्र हूँ, लेकिन किसान रो रहे हैं। किसानों को फसल का मुआवजा नहीं मिलता, बीमा नहीं मिलता, कभी खाद नहीं मिलती तो कभी पानी नहीं मिलता। ये समस्याएं सिर्फ कागजों में चल रही हैं या मौके बोल दी जाती हैं कि मैं किसान का पुत्र हूँ, मैं किसान की वेदना को समझता हूँ। मतदाता से मतदान करवाना बहुत बड़ी बात है। मतदाता अपना मत का दान करता है, दान करना माने किसी को भी सौंप देना, और बड़े विश्वास से व्यक्ति अपने मत का दान एक प्रत्याशी के लिए करता है, और प्रत्याशी उस मतदान का दुरुपयोग करके भेज करके और अपना घर बन लेता है, अपनी कोठियां बनवा लेता है और हमारे ऊपर महंगाई और चुनाव थोप देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।